आज हम खड़े हैं हरियाणा के हथनीकुट बैराज पर जो हल्का जगाधरी में पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हथनीकुट बैराज है, ये जो पानी है सारा दिल्ली की तरफ जा रहा है यहाँ से। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इससे एक पानी और डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड कानपुर साइड एक नहर जाती है, तो इसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। सारा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको हम देखते हैं कि क्या इधर जो सहारनपुर की तरफ यूपी में जो नहर जाती है उसमें भी पानी है। और ये देखिए ये सहारनपुर यूपी की ये नहर जाती है साथ में जो हमने आपको दिखाया था। 14 जुलाई फ्राइडे के दिन मैं यहाँ खड़ा हूँ सुबह। अब आप देखिए ये नहर बिल्कुल ही सूखी है। जब हमने लोगों से पता किया तो वो कह रहे हैं कि अमूमन इस नहर में पानी चलता है, पर पता नहीं 2-3 फ्लड की वजह से सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है, कोई भी पानी यूपी की साइड नहीं छोड़ा गया। अब मैं आपको वो फ्लो दिखाता हूँ जो दिल्ली की साइड जा रहा है सारा के सारा। मैं आपको फ्लो दिखा सकता हूँ, ये सारा यूपी की साइड ये है, ये सारी नहर सूखी है और साथ ही जो फ्लो है ये वो पानी है सारा के सारा जो दिल्ली को जा रहा है। हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथनीकुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अब वहां क्या स्थिति है उसका तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। पानी तो निकालना ही है लेकिन जितनी तेजी से पानी को दिल्ली भेजा जा रहा है अगर उस गति को थोड़ा कम कर दें तो यमुना के स्तर को और ऊपर जाने से हम रोक सकते हैं।